क्या आपको पता है ग्रेविटी की खोज करने वाले महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन को भी स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ था। उन्होंने 1710 के डेकेड में साउथ सी कंपनी नाम के एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और इससे उन्हें 20,000 यूरो का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, पर इसके बाद भी शेयर की प्राइस ऊपर जा रही थी तो न्यूटन भी अपनी ग्रीड को रेजिस्ट नहीं कर पाए और उस टाइम के हॉटेस्ट स्टॉक साउथ सी कंपनी में अपनी सारी कैपिटल इन्वेस्ट कर बैठे, और वो भी उस टाइम पर जब वो स्टॉक अपने पीक पर था। पर उनके इन्वेस्ट करने के कुछ ही टाइम बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और कुछ ही महीनों में उन्हें अपनी कैपिटल पर 75% से ज्यादा का लॉस हो गया। इस घटना के बाद न्यूटन ने कहा कि मैं तारों की मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन इंसानों के पागलपन को नहीं। तो इस घटना से हमें ये समझ आता है कि हमें स्टॉक मार्केट में कभी भी फोमो में आकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और हर इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखकर ही ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही करनी चाहिए। वैसे अगर आपको नॉलेज के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप फ्री में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।